हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 8 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनेंगे। अब बात हो रही राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजधानी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। और देखिए जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, और जो कि बैठने की क्षमता के अनुसार इसमें 75,000 लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहली ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इनका नाम है तसोरबा आनंद सिसिर। अब बात हो रही है बांग्लादेश की, तो देखिए भारत की अधिकतम सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, और देखिए बांग्लादेश का पुराना नाम ईस्ट पाकिस्तान है। देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ था, और देखिए बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में है। और देखिए बिमस्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए बिमस्टेक एक बंगाल की खाड़ी के समीप देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंजू वर्धीस को। इसका सही आंसर है मंजू वर्धीस को। लिगिया नोरोहा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। शबनम ए स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी महिला होंगी जिन्हें फांसी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। ये रिपोर्ट ग्लोबल अकाउंट फॉर्म ने प्रस्तुत की है, जिसमें भारत तीसरे नंबर पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द पेन फ्री माइंड सेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक रमेंद्रन। और देखिए ये उनकी बुक है। और अनुपम खेर ने हाल ही में एक बुक लिखी थी जो कि टुडे इज योर बेस्ट डे। और देखिए उर्जित पटेल ने ऑनर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम से एक बुक लिखी थी, और उर्जित पटेल ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा सोपोर। सोपोर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू और कश्मीर के अभी राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। इस रेडियो स्टेशन का मकसद है लोगों से जुड़ना और सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी नूरीन हसन को किस बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब एक नया डिपार्टमेंट मिशन शक्ति स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेस सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में सर्वाधिक प्रदूषित स्थल 23 है, जो कि पहले नंबर पर है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 21 स्थान प्रदूषित हैं, जो कि दूसरे नंबर पर रहा है। और तीसरा है दिल्ली, जिसमें 11 प्रदूषित स्थान है, जो कि तीसरे नंबर पर रहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार आई है, और देखिए इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी। और देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और देखिए इसको शॉर्ट में CPCB बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
और देखिए उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और देखिए उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, और देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड में है, और भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में है, और बीलर द्वीप इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और देखिए उड़ीसा जिसको कलिंग भी बोलते हैं या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, और देखिए उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। तो देखिए हमने 8 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।